योगी जी बहुत बढ़िया होगी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि जनरल वालों की जो उम्र है, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो बनिया हो जो भी है, उनकी उम्र 21-22 साल देने तक होगी। सबकी ओबीसी की उम्र 27 साल देने तक, 30 साल तक जनरल वाले 25 साल तक होनी चाहिए, होनी चाहिए। जब यदि ऐसा कर दो योगी साहब, अभी बहुत कराएंगे योगी साहब अरे ये बोलो 60% हमारा है, बाकी में बाकी लोग 40%। यदि न्याय होगा तो पूर्ण कर देंगे। न्याय तो अब तो नहीं होगा ना, इलेक्शन के बाद ही होगा वो कुछ। मतलब जो अभी नई आने वाली भर्ती में जनरल की 25 साल यदि कर देते हैं तो 80% देंगे ना, कभी हो पाएगा ब्राह्मण। देखो तो ब्राह्मण राजपूत त्यागी सरदार आज मुस्लिम लोग समझा देंगे, वोट सबको थक देंगे, संप्रदाय की चीज है, वोट देंगे देंगे, लेकिन उम्र जनरल की ऐसी होगी। योगी से बढ़िया आदमी पैदा कर योगी और मोदी देखिए सर, सबसे पहले तो आप लोगों ने देखिए आपके चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया में सारी चीज़ देखी है, लेकिन जब से योगी जी की सरकार बनी है ये तो फाइनल है, क्योंकि ये तो हमारी बहन बेटियाँ हमारे पूरे खाने व्यवस्था जो चोरी जारी होती थी उन पर रोक लग गई है। और योगी जी तो ऐसे लीडर और ईमानदार और कर्तव्य निष्ठ सच्ची लगन कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, उन पर लहे ना लहे ना इस पर बला नहीं है। एक चीज ये उन्होंने कह दिया, अगर किसी ने हमारी कानून व्यवस्था कोटा कर दी, बदतमीजी की, कानून व्यवस्था को भंग किया, तो उठाएंगे नहीं उठाई देंगे फाइनल। ये बिल्कुल सही बात। देखिए 5 राज्यों में इलेक्शन है, हमारा यूपी से ही इसके अंदर के लिए रखा जाता है, आप शिक्षक हैं सबको पता है, और हम लोग ये चाह रहे हैं कि दोबारा से 2024 में जो यूपी में आए रहे फाइनल है, ये तो कोई संदेह नहीं है। इसमें आप देखो कितना जनसम हुए हैं, यहाँ पे 5 लाख जनसंख्या है, अलग अलग लगा है, आ रही है और जा रही है, नहीं पहुंच रहा जिन जिन राज्यों में पहले चुनाव होगा होल्डिंग वाले राज्यों में भी बदलाव चल रहे हैं, लगने लगा है कि भाई आप भारतीय जनता पार्टी ही देश का विकास कर पाएगी। और दोनों ये जो लोग ना किसी लगाव है, ना लालच है, ना लोभ है, ना इनका भाई भतीजा तो कुछ है नहीं, जो इन्हें ये होगी मुझे अपने बेटे के लिए करना है, इसके लिए करना है, इन्हें सिर्फ जनता के लिए करना है। और सारे लोग हमेशा जनता के लिए करते हैं, और मैं इस चैनल के माध्यम से दोबारा कहना चाहता हूँ अपनी पूरी देश की जनसंख्या से ये न देखे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम विपक्ष को बना देता है कि साहब ये सांप्रदायिक दंगे कराते हैं। आप ये लगा लो जब से योगी जी की सरकार बनी है कोई इतना प्रदेश में सांप्रदायिक दंगा हुआ है तो बिल्कुल नहीं हुआ है। दूसरी बात, अभी जो हर वर्ग के लिए उन्होंने भर दिए उसमें सबसे ज्यादा कोई फायदा वो मुस्लिम वर्ग के लिए हुआ, क्योंकि वो लोग या तो जागरूक मान लो या ये मान लो वो सरकारी योजना का लाभ उठाते हैं, मैं ककोड़ का रहने वाला हूँ, सबसे ज्यादा घर उन लोगों को मिलेगा। वो मैं कहाँ भाई मुस्लिम जी। अच्छे लोगों को हर जगह सपोर्ट मिलेगा भाई, एक बताओ, अब ये तो है नहीं कि साहब आप ही मंत्रिमंडल के सदस्य, आपके भाई भतीजा जितने भी हैं वही उन्हीं को लाभ मिलेगा। योगी जी को तोड़ के तो बेचारे क्या है, एक लंगोटी एक रोटी वो तो साथ घूमते रहते, क्योंकि जनता जितनी भी है प्रदेश में वो ये चाहते हैं कि भाई कोई भी इतना बड़ा उन्होंने अन्न योजना का प्रोग्राम चलाया जो मार्च तक बढ़ा दिया, एक साल पहले चला लॉकडाउन में, मेरे कह रहा हूँ दानवीर कर्ण के बाद में ऐसे अगर कोई दानी है तो वो मोदी जी हैं, जिन्होंने भूखा किसी को नहीं सोने दिया, उतना भले भूखा होगा लेकिन उन्होंने किसी को भूखा नहीं सोने दिया। आप इतिहास, आप तो विद्वान आदमी है, इतिहास उठाकर देख लो, अगर दानवीर कर्ण के बाद में किसी ने सबसे बड़ा दान किया है तो वो मोदी जी ने किया और किसी ने नहीं।